हेलो जी, वी आर बैक विद द अनदर व्लॉग। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गाड़ी। गाड़ी है अरीब की और इन्होंने खरीदी है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी डाउन है, जिसमें इसकी गियर वगैरह फंस रहे हैं और क्लच की पिंग हाई आ रही है। पाँव उठाते हैं, इसके बाद क्लच आता है अपनी मर्जी से ऊपर। तो ये हमें सही करवानी है, इसकी सर्विस भी करानी है, क्योंकि इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है और अंदर से भी भाई सारा ख़राब है। तो सर्विस होगी इसकी, इसके बाद ही हो जाएगी थोड़ी ठीक। और बाकी इसकी बेसिक चीज़ें, पावर विंडोज़ और इसके लॉक्स थोड़े से ख़राब है, ये सही करवा दें। पावर विंडोज सिर्फ यहाँ से ऑपरेट होती हैं, तो ये सही कराने। अरीब चाबी लेके उतर रहा है, लेकिन जो टाइम दिया था उससे थोड़ा लेट हो गया, जैसे हो जाता है। वो चाबी आ गई है, चलो स्टार्ट करते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको। अबे भाई, गर्मी के अंदर तो गाड़ी आग हो रही होती है। आग ज़रा चेक करते हैं पावर विंडो चल रही है कि नहीं। ये देखो अटक अटक के चल रही है, इसको करवाने हमें सही। ये भी खुल गई। ये देखो भाई, अंदर ये सारे लबाचे पड़े हुए हैं, बाकी गंदगी बहुत हुई हुई है। तो ये हमें सर्विस करवानी है पहले। और इसका गियर जो है ना, रिवर्स काम कभी करता है कभी नहीं करता, दिन में एक दो दफ़ा चल जाता है। अभी चेक करते हैं चल रहा है, लाइट आ रहा है, वो सही करवाने। रेस वायर तो सही है। और एसी चेक करवा देते हैं, एस्टिमेटेड कितना खर्चा है। नहीं यार, अबे टायर पंचर बनवाना है। हाँ, पंचर बनवाना है, बाकी हेडलाइट के बल्ब चेंज करवाने, तेज़ वाले लगवाने। नहीं अभी अभी जो है ना वो चलने दे, सस्ती है हेडलाइट। अगर हो जाता है काम तो ठीक है, वरना नहीं तो कटा फिलहाल। जो बनकर चलो भाई चलते हैं, दरवाजा रुक जाना, ठंडी होने देना। खिड़कियाँ है ना यार, ठंडी होने दे। हाँ ना, गर्म गर्म हो गई ना। ये जो है ना, इसके मीटर लाइट जल रही है पर ये ऑन नहीं है, इसकी शायद वायरिंग यहाँ से कट की भी है। वो तो ठीक है, स्पीकर लगवाने। स्पीकर लगवाने 3000 रुपए के। अब भाई नहीं, कम बजट है, अंदर का काम करवाना है। ऐसे भी मुस्लिम बॉय गाने तो सुनता ही नहीं है। नशीद तो सुनता। कौन मुस्लिम बॉय? नशीद तो हलाल है ना, गाड़ी तो तेरी है ना, तुम तो हलाल हुआ ही नहीं। हाँ क्या मतलब यार, मतलब हो सकता है। दरवाजा बंद कर दे। मशीन क्या करना है? ये है क्या चीज? गाड़ी में पहले देखना पड़ेगा कि सामान। अभी तो ये सामान निकाल लेंगे ना साइड में, जो पता नहीं क्या है। अभी रख दे, अभी डाल दे, ये रख दे, कोई काम का होगा। इसको साफ करना ही पड़ेगा। तो अभी पहले सर्विस करवाना है इसकी, सबसे पहले वही करवानी है, फिर हम चलते हैं मैकेनिक के पास। वहीं पे पंचर वाले को टायर भी दे देंगे। इसको बंद कर, इसको बंद कर। कितने तक का बनेगा टायर, कुछ आईडिया है? 200। आखिरी दफा 2018 में बनवाया है टायर। मतलब कितने का? ये रिवर्स गियर लगाया हुआ है, अभी देखते हैं चलता है कि नहीं। हाँ इस वक्त चल रहे हैं, अब कब तक चलेगा ना उसका भरोसा नहीं। तो चलो भाई चलते हैं। बस अभी बाद में मिलता हूँ, पता चला किसी के अंदर मार दी, गियर भी तो चेंज करने, मोबाइल कैसे पकड़ के रखूंगा। भाई कार वॉश तो पहुँच गए हम लोग, गाड़ी धुलवाने। ये गाड़ी कम स्टोर रूम ज़्यादा लग रही है। कल इस गाड़ी में ये सेल्स के पास से जो वायर आ रहा है ना, वो ख़राब था और इस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आपके भाई ने ये पकड़ के सही किया मामला इसमें, और फिर हम लोग राउंड मारने गए थे। और अभी इसको सर्विस करवाएंगे, हालत चेक करो क्या हो रही है अभी इसकी। तो भाई इस पंप वाले ने तो बड़े पैसे बोले इस गाड़ी को साफ़ करने के, 4500 रुपये मांग रहे हैं। तो अब हम दूसरे पंप पे ले जा रहे हैं, वो कम में कर देगा, या फिर मैकेनिक को थोड़े पैसे पकड़ा देंगे तो वो शायद कम पैसों में ही कर देगा। ये क्या हुआ भाई? मैकेनिक के पास भी पहुंच गए, लेकिन मैकेनिक है नहीं, 3 घंटे बाद आएगा। तो AC टेक्नीशियन से बोलते हैं, शायद वो देखे। लेकिन अभी हमें मेन काम जो है क्लच वगैरह का कराना है। वही मैकेनिक तो 3 घंटे बाद आएगा कह रहे हैं, फिलहाल जो है हम लोग चलते हैं सर्विस करवा लेते हैं या दूसरे मैकेनिक के पास। अभी हमजा नवीद को हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो देखते हैं हमजा नवीद उतरता है तो उसके मैकेनिक के पास चलते हैं, कि वो हमारा वाला मैकेनिक तो 3 घंटे बाद आएगा। हाँ तो हम लोग तब तक सर्विस करवा रहे हैं। स्नैप सही है, खड्डे वाली गली कराची अपना। ये हमारी गाड़ी अंदर जा रही है और इसकी सर्विस अभी
और ये चमक जाएगी बिल्कुल अच्छी सी। अभी तो बहुत गंदी हालत में, इसको चमकाते हैं फिर वो क्लच वगैरह का जो काम है ना वो करा लेते हैं, क्योंकि पिक जो है ना वो नहीं आ रहा, क्लच छूट नहीं पा रहा। तो पहले ये सर्विस करवाते हैं, फिर अंदर से भी साफ़ होगी और फिर देखते हैं कि क्या सीख है। गाड़ी हो रही सर्विस हमारी, और यहाँ पे हो रहा है हमारा टायर की जो नोज़ल है ना वो यहाँ पे चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि वो लीक हो गई है, इस वजह से टायर उस दिन पंचर था जो हमने रात को चेंज किया। ये हो चुकी है भाई पूरी वॉश गाड़ी, और अंदर से आपको हाल दिखाते हैं थोड़ी देर में, अभी तो फिलहाल पूरी चमक चुकी है। तो भाई बाहर से तो आप देख चुके हो कि गाड़ी पूरी हो चुकी है सर्विस, और ये देखो भाई अंदर से भी हो गई पूरी क्लीन। अब लग रहा है ना भाई कि कोई गाड़ी है, ये देखो पीछे से क्लीन हो गई, आगे से डैशबोर्ड देखो एकदम नई नई लग रही है। बाकी थोड़ा बहुत जो काम है वो देखते हैं, अभी हरीफ के पास टाइम नहीं है, इसको जाना है घर। तो तो भाई अब हम चल रहे हैं, तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं हमजा नवीद के यहाँ, और उसको पिक करते हैं हम लोग, और क्लच का काम अगले व्लॉग में करना है। पीछे ठेले मार दी हल्की सी, अलग आने दो, ले आओ ये, ले आओ ले आओ, आने दो आने दो, बस कट जाएगी कट जाएगी, नहीं नहीं कटेगी, मेन रोड पे मैं जाना नहीं। मजे की बात ये है कि भाई गाड़ी सर्विस करते हुए सर्विस वालों ने अंदर से मरा हुआ चूहा भी निकाला, क्योंकि थोड़े टाइम तक मजे वाली बात क्या है, मजे वाली बात ये है ना किसी की गाड़ी में से निकलता है मरा हुआ चूहा। अबे गिरा वेरा नहीं, ये भाई हमजा नवीद आ गया, इसको भी पिकअप कर लिया। हाँ भाई किधर चलना है, चले बहरिया टाउन, चलो तेरे ट्राउजर से साफ हो जाएगा। अब देख गाड़ी देख कैसी होगी, साफ हो गया भाई, छोड़ यार से पिक्चर भेजी थी, लेट भी उठ गया है। हां रेनी में 9 बजे स्कूल नहीं गया तो पार्टी शायद ही गए ना, और बस क्या कर गया स्कूल में, तोड़ फोड़ करके आए, तोड़ फोड़ कर गया। लोगों ने कहीं तो अपनी इज्जत रखी है, वही तो ना हर जगह नहीं करता, साथ में हैदर तक कैसे नहीं करते, गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे वाला। तो भाई पेट्रोल डलवाना हम भूल गए थे और गाड़ी हो चुकी है बंद, अब स्टार्ट कर, नहीं हो रही धमधम, उतर स्टार्ट करे बस, आ जाओ आ जाओ, 400 रुपए का पेट्रोल कितना भगाओगे, आओ भाई धक्का मारो इसको, उतारना अंदर वजन दे रहा है, तू भारी बंदा है, तीन बंदे चलाओ, अबे तू बंदे उतर के मारेगा सीधी घर पे पहुंचेगी गाड़ी, चलाओ यार मेरे को खरीद रही है, खरीद लिया है पेट्रोल, अबे इसका ढक्कन खोल भाई, ये तो कहां से आ गया, डालना डाल ना, डाल। अभी उबर ड्राइवर जरा पीछे आके बैठ गए, लंच टाइम है, लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में अपन काम नहीं करते। अभी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल डलवाया हमें 150 रुपए का, हिलाना पड़ेगी, हिला गाड़ी क्या दोबारा बोलना, अबे थोड़ी सी हिलानी पड़ेगी पेट्रोल अंदर जाए, थोड़ी देर चल रख आएगा पेट्रोल, क्या कर रहा है, हिल क्यों रहा है तू, घर जाके देख लेना जल्दी कर, चली चली चली, अबे जो भादरा का चक्कर लग जाएगा आराम से, इसको भी बता दे वाली स्कीम भाई, अगर इसकी खाला वगैरह नीचे खड़ी नहीं है हाँ, तो ये हमारी गाड़ी हाँ, अरीब की गाड़ी भी है, नहीं ठीक है वो हमेशा के लिए हाँ, हाँ। ये थी ना स्कीम, नहीं ये अब ये वाली चला, पता चला इसकी खाला के पास ये ब्लॉग रिकमेंड हो रहा है, ओ हाँ तो जरूरी थोड़ी है कि मेरी हो गया थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ का पेट्रोल डलाया और गाड़ी देख नखरे ऐसे दिखा रही है, 70 हमजा 100 में नखरे दिखा रही है, लो हमजा
दीवार हमारे अंदर आ गई। गाड़ी पार्क करने के बाद, फ्राइज फोड़ने के बाद, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद घर आया हूँ और नहा के बस अभी अभी निकला हूँ। अब हम होंगे तैयार, बाल बाल सेट करेंगे, शर्ट वगैरह पहननी है और फिर बस हम लोग चलेंगे। और कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में। जब तक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब अगला व्लॉग भी आने वाला है और भी व्लॉग आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से बटन दबा दो।